सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ये बचे हुए हैं टुकड़े का बनाएंगे। ये जैसे कि शादी कवर्स या हम लोग दूसरा कुछ कवर्स बनाते हैं तो उसकी पट्टियां जब बच जाती हैं, ये बैक को शेप देते वक्त पट्टियां बच जाती हैं, तो वो वेस्ट मीन्स हम लोग का मेहनत वेस्ट ना जाए इसके लिए आज हम लोग इसका कुछ बनाएंगे। इसका साइज मैंने जैसे बचा है उतना ही साइज का करने वाली हूँ। देखिए इसमें, देखिए अराउंड, अगर मैं मोबाइल रखना चाहूँ तो देखिए अराउंड 1 इंच एक्स्ट्रा बचा है इसमें, तो ये मोबाइल के लिए मुझे काफ़ी हो जाएगा। और ये कर्टन का रिंग है, ये देखिए ऐसे, इससे मैं इधर होल करने वाली हूँ ताकि मैं ये टांग सकूँ कहीं पर, और इसको वहाँ पे ऊपर सेक्शन बनाने के लिए मैं इसमें प्लास्टिक लगाने वाली हूँ। ये देखिए ये प्लास्टिक, ये अराउंड इतना मेरा मोबाइल रह जाए उतना ही, ये देखिए यहाँ से नीचे से लगेगा तो ताकि उतना ही मीन्स जितना मेरे पास टुकड़ा अवेलेबल है उतना ही मैं पीस काट रही हूँ। और इसको मैं अभी कुछ पाइपिंग्स लगाऊंगी, ये देखिए ये पाइपिंग्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसको पाइपिंग लगाती हूँ ऊपर के साइड पे। ये देखिए इसमें हम लोग ने ये डबल फोल्ड कर लिया है, इसमें ही एग्जैक्टली मैं सेंटर पे ये रख रही हूँ, मीन्स आधा आगे की तरफ आएगा आधा पीछे की तरफ पाइपिंग आएगा ये, और ये इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया और इसको जस्ट हम लोग स्टिच कर देंगे। सिर्फ ऊपर की ओर से हम लोग ने पाइपिंग लगा लिया है। अब ये विड्थ अराउंड मोबाइल से दोनों तरफ 1-1 इंच ज्यादा है। इसमें मुझे कुछ लूज वगैरह नहीं चाहिए, अगर आपको लूज चाहिए तो आप इधर बीच में प्लीट्स डालने के लिए जगह छोड़ सकते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा रख के बीच में ये प्लीट्स डाल के साइड पे आप कर सकते हैं ताकि ये ऐसे ज्यादा स्पेस हो। इसमें मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ ज्यादा लिया नहीं है, प्लास्टिक है इसके लिए मैंने एग्जैक्ट नहीं काटा है, जैसे अवेलेबल है वैसे काट लिया है, बाद में शेप देते वक्त हम लोग कट कर लेंगे। आपको अगर लगता है कि स्टिच करने के वक्त चिपक जाता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको जस्ट एक ऑयल का आप उंगली को ऑयल लगा लीजिए और इसके ऊपर जस्ट एक बार इस पे घुमाने से आपका मूवमेंट इजी हो जाएगा। अगर आपका मूव नहीं कर रहा हो तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और ऑयल पे इतना ही जस्ट हार्डली हम लोग उंगली को लगाएंगे और इसको ऊपर से वाइप कर देंगे। नॉर्मल केस में हम लोग ने कभी यहाँ खुला छोड़ा तो हम लोग ओपन और एंड करते वक्त डबल लॉक करते हैं, इसमें डबल लॉक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग पाइपिंग करने वाले हैं। एक्स्ट्रा जो भी प्लास्टिक है हम लोग इसको कट कर देंगे। आसानी से अंदर रह जाएगा, बहुत नीचे भी नहीं बहुत ऊपर भी नहीं है, जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उतने का ही करना है हमको। ये देखिए ये हमें करते कैसे हम लोग इसका, देखिए अराउंड हमने सेंटर में इसको रख लिया है और ये जो मार्किंग है इसका अंदर से हम लोग इसको मार्क कर देंगे। अब ये मार्किंग है इसी के ऊपर हम लोग इसको कट करेंगे। ये ऐसे दो पीस मिलते हैं, जैसे कि हम लोग मैग्नेट को, मैग्नेट का पीस और पीछे के हम लोग को लगाने के लिए उसको लॉक करने के लिए पीस मिलता है, ऐसे ही ये प्लास्टिक का है। ये कलर आपको जैसे चाहिए वैसे काफी कलर्स में भी मिल जाता है। अभी इसमें ये देखिए इसको मैं कट करूंगी, फोल्ड करके इसको ये राउंड में हम लोग कट कर देंगे। देखिए हमने ये कट कर दिया है, अब ये इसमें से हम लोग जस्ट इसको पुश कर देंगे अंदर,
इस सर्कल के इस तरफ हम लोग ये देखे, इस तरफ से हम लोग को एकदम क्लीन दिखाई देगा। अभी इसको हम लोग ऐसे लॉक कर देंगे, इसको जस्ट ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये हमारा पीस तैयार हो गया। अभी इसको हम लोग जस्ट साइड में, आप ऐसे ही दे सकते हैं या तो इसको जस्ट साइड में थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। देखिए ये सीधा पीस है, हम लोग को जिस तरफ हम लोग को फिनिशिंग चाहिए होता है हम लोग उस तरफ बाद में फोल्ड करते हैं और पीछे की तरफ से लगाते हैं। ये जहां पे जॉइंट है ये राइट साइड है, तो ये मैं ऐसे ही रख दूंगी। ये देखिए ये राइट साइड है, इसके ऊपर ये जस्ट ऐसे मैं रख दूंगी और इसको हम लोग इसको ऐसे लगाते जाएंगे। अभी इसको ऐसे खोल के जहां पे आर्क है मैं थोड़ा सा कट दे दूंगी, बाकी जगह पे कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा कट दे दूंगी। ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके जहां पे हम लोग ने ऑलरेडी स्टिच किया है उसी के ऊपर सिलाई आएगी। देखिए नीचे का पोर्शन जो बचा है वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे करते वक्त हम लोग ये थोड़ा सा आगे लेंगे और इसका ऐसे बंद कर देंगे ताकि उसका अपने आप फिनिशिंग हो जाए। देखिए बचे हुए चीज का इस्तेमाल भी हो गया और आप जब भी अभी चार्जिंग के लिए आप लगाएंगे तो इसके अंदर आप रख के आपको अगर फोन आता है तभी तो आपको समझ में भी आता है, आपका चार्जिंग चल भी रहा है या रुक गया है ये भी आपको पता चल जाता है। और ये जहाँ पे सॉकेट है वहीं पे ये हम लोग अटका देंगे ताकि ये मोबाइल इधर उधर पड़ा ना रहे। ये कभी कभी क्या होता है हम लोग कहीं पे अलग से रखते हैं तो वो पिन का कनेक्शन लूज होता है और मोबाइल चार्ज होता भी नहीं है और हम लोग घंटे घंटे भर मोबाइल वहीं पड़ा रहता है। एन वक्त हमको बाहर जाते वक्त पता चलता है कि फ़ोन चार्जिंग हुआ नहीं है। इसके लिए ये आपको बहुत काम आएगा। आपका ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।